संगीत बढ़िया होना, संगीत को कहते राग। क्या कहते हैं? राग। राग के ऊपर भी एक दृष्टि है, पूछो क्या? राग के ऊपर है अनुराग। संगीत है राग, अनुराग है प्रेम। राग अगर गड़बड़ भी हो जाए, भगवान कहते हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भगवान कहते अनुराग बढ़िया रहे तो हम दौड़े चले आते हैं। तो आज का सूत्र है कथा का, कल का सूत्र था भजन मत बढ़ाइए, भजन बढ़ाइए। क्या बढ़ाइए? हाँ, भजन बढ़ाइए। आज का सूत्र क्या है? राग में मत जिए, जीना ही है तो अनुराग में जियो। राग तो दुनिया को रिझाने के लिए कई बार होता है, अनुराग तो सिर्फ परमात्मा को रिझाने के लिए होता। तब तो गोस्वामी जी कहते राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। महाराष्ट्र की पावन धरा के वीर सपूत, वीर हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, जिन्होंने अनुराग से मां भवानी की कृपा और समर्थ गुरु स्वामी श्री रामदास जी महाराज की कृपा को पाया। लेकिन इसके पीछे कारण सिर्फ अनुराग। और मेरे पागलो, अपनी जिंदगी में याद रखना, अनुराग एक ऐसा विषय है, अनुराग का अर्थ प्रेम होता, और प्रेम एक ऐसा विषय है कि संसार को आप अपने कब्जे में अपने वशीभूत कर सकते हो। किसी जगह हमारी कथा हुई, हमने कथा में कहा वशीकरण मंत्र किस किस को चाहिए, सबने हाथ खड़े कर दिए। माताओं को ज्यादा जरूरत लगी, क्योंकि उन्हें पतियों को बस में करना था, पुरुषों को भी जरूरत पड़ी। हमने पूछा तुम्हें किसको करना है, तो उन्होंने बताया तो नहीं किसको बस में करना है, लेकिन हाथ खड़े किए। लोगों से हमने कहा कि वशीकरण मंत्र चाहते, लोगों ने कहा हाँ, और आधे से ज्यादा लोग तो पागल है, वशीकरण के पीछे हद हो गई, किताबें पढ़ते रहते ऐसा करिए ऐसा बस में हो जाएगा, टोटका करते रहे। हम आपको बड़ी गंभीरता पूर्वक निवेदन करें, वशीकरण कोई मंत्र होगा ये तो हमें होश नहीं, ये तो हमें खबर नहीं, लेकिन मीठी वाणी ही वशीकरण मंत्र है। प्रेम से सनी हुई वाणी से आप दुनिया को कब्जे में कर सकते हो, दया दिखाकर संसार को अपना बना सकते हो। वीर शिवाजी महाराज, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की एक अद्भुत गाथा हमें याद आती है। उन्होंने अपने बल से हिंदू हृदय सम्राट ने मुगलों को नाकों चने चबवा दिए। आप एक बार एक ब्राह्मण के यहां रुके थे गुप्त रूप में। ब्राह्मण के घर में जिनका नाम श्री विनायक देव पंडित जी था, क्या नाम था? पंडित श्री विनायक देव जी। विनायक देव जी के यहां गुप्त रूप से रहते थे आप, बड़े सरल भाव से। और देखो, अतिथि का सम्मान होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में आया है अतिथि देवो भव। देखिए, हम लोग भी बड़े विचित्र लोग हैं, हम लोग अपने अतिथि की सेवा उसकी हैसियत देखकर करते हैं। कोई बड़ा आदमी आ जाए तो प्लेट में बढ़िया बढ़िया काजू मखाने, आहा। तो कोई ऐसी मिडिल क्लास का आ जाए तो नमकीन बिस्कुट में ही कट जा, और कोई छोटे लेवल को चाय बाट ले पी लो, जाओ तीलो पी लो जाओ। लेकिन कोई और छोटा आ जाए, पानी पियोगे? पानी। और कोई एकदम साधारण, वो भी नहीं, मांग लेगा अगर पीना होगा। हम लोग स्वागत भी व्यक्ति की हैसियत देखकर करते हैं, अद्भुत लोग हैं। अब तू हमारी जो बुद्धि कहती है, क्षमा करना, हमारी बुद्धि कहती है घर आए अतिथि को ईश्वर मान करके स्वागत करना चाहिए।
लेकिन अब हम लोग अद्भुत लो। अच्छा एक और गौर करना, हम तो कई बार गौर करते हैं, जितने भी बड़ी हैसियत वाले लोग आते हैं तुम्हारे घर पे, तुम कितनों की कितनों काजू रख दो वो खाते ही नहीं है। अच्छा खाने लगे तो आदमी रखना भी बंद कर दे। तुम देखना कभी बड़ी हैसियत का आदमी आएगा, बड़े बड़े बड़ा इज्जत बड़ा बड़ा अमीर, खाओ खाओ, अरे भैया एक एक कुछ तो खाओ, कुछ तो लो, नहीं 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 बस बहुत हो गया, बस बस बस, अरे एक तो लो, तो वो एक उठाएगा ऐसे, बस बस बहुत हो गया। हमारे जैसे देहाती यहां फंस जाए, प्लेट ही ना बचे। अगर ऐसी हैसियत वाले लोग हमारे जैसे पहुंच जाए, आदमी रखना बंद कर दे, क्योंकि हम खाई तो ठीक है, पहले बांटे ही थे। और कई जगहों पर तो हमारे नाम से इसलिए प्रसाद भी नहीं ज्यादा रखा जाता, क्योंकि इन्हें बांट देना है। ये तो विनोद की बात है, पर हम जो तुम्हें समझाना चाह रहे थे वो समझा यह रहे थे, तुम्हारे घर पर मेरे पागलों कोई भी आवे वो अतिथि भगवान के समान है, उसको ईश्वर के समान में पूजा करनी चाहिए। पंडित श्री विनायक देव जी, उन्हें खबर नहीं थी, होश नहीं थी कि ये कौन है, पर महाराज छत्रपति श्री शिवाजी महाराज उनके घर पर निवास थे गुप्त रूप से। ब्राह्मण देवता भिक्षा यात्रण करते थे, मांगने से जो मिल जाता उसी से पेट पालते थे, अपनी भोजन करते पत्नी को और पहले अतिथि को। पुराने जमाने में अतिथि का बड़ा सत्कार होता था, अतिथि जाते थे तो रोकते थे, अब मत जाओ, रुको रुको, कल चले जाना। आजकल आते देर नहीं होते हैं, पूछते पहले हैं कब जाओगे। हाँ पहले जमाने में लोग आते थे तो हाथ जोड़कर अरे आइए आइए, और कोई जाता था तो गले मिला करके वापस करते थे। आजकल कोई आता है हाँ, और जाता है टाटा, अब मत आना, अब इस घर में मत आना, हद हो गई अंग्रेजी की, अंग्रेजी ने तो दिमाग का दही कर रखा है, टाटा अब लौट के ना दिखाइयो। एक बार नागपुर का हमारा चेला चंगीलाल, चंगीलाल की लुगाई मुन्नी बाई, बाई को मुन्नी बाई, घर पर ऐसा मेहमान आ गया कि जा ही ना, चंगीलाल का दिमाग खराब, क्योंकि वो तो सोच रहा था एक दिन में जाएगा, हो गए 10 दिन। चंगीलाल पत्नी से बोला कुछ करना चाहिए, पत्नी बोली क्या, बोले नहाने गया है, एक काम करो, हम झूठ मूठ का तुम्हें मारते हैं, तुम झूठ मूठ की रो, नो प्रॉब्लम, हाँ कोई दिक्कत नहीं, हम खूब मारेंगे तुम खूब रोना। अब पूछेगा तो क्या हुआ, तो कह देना कि हमें भोजन नहीं बनाना है, आज से भोजन बंद, अपने आप भग जाएगा। चंगीलाल ने लठ उठाया, दीवार में फट फट मारना तेज किया, पत्नी रोए, आज के बाद मैं भोजन नहीं बनाऊंगी। मेहमान बाहर खड़ा था, मेहमान हाथ जोड़ के बोला, बोला भाई लड़ो मत, क्या हुआ है, अरे ये बात नहीं मानती, आज मैंने कहा शाही पनीर बनाओ, बना नहीं रही, आज के बाद मैं भोजन नहीं करूंगा घर पर। पत्नी भी बोली मैं भी नहीं बनाऊंगी। मेहमान बोला भाई लड़ो मत, अब हम जा रहे हैं, क्षमा करना, बहुत दिन हो गए, अब हम जाते हैं। चला गया, यदि मेहमान चला गया तो चंगीलाल बोला क्यों रो रही, अब तो वे कड़ गए, हम तो झूठ मूठ का नाराज हो रहे थे। पत्नी बोली हम कौन का असली से रो रहे थे, हम भी झूठ मूठ का रो रहे थे, लेकिन दिमाग खराब, मेहमान भी नागपुर का ही था, वो भी बाहर का नहीं, 2 मिनट में वो आ गया, बोले हम भी झूठ ही मूठ के आ गए थे, हम भी असलियत में नहीं गए। बोलो सीताराम, अब ऐसे मेहमानों की कौन मेहमानबाजी करे, पुराने जमाने में मेहमानों का बड़ा स्वागत, आज के जमाने में मेहमान आफत, अतिथि कब तुम जाओगे, सबका दिमाग खराब रहता, क्यों आ गए, अब जाओगे कब, अब जी और 2 दिन रहेंगे, पानी और कम पड़ेगा, आफत हो गई। लेकिन बुरा मत मानिएगा, ठीक है आपकी ये विचारधारा, क्षमा कीजिएगा, जिस घर में आए हुए अतिथि का स्वागत हृदय से नहीं किया जाता उस घर में लक्ष्मी का वास कम रहता है, वहां पर कुमति का निवास रहता है। जिस घर में आए हुए अतिथि का स्वागत ईश्वर रूप में किया जाता वहां सुमति का निवास होता है और लक्ष्मी माता की कृपा बरसती है। तो ब्राह्मण विनायक देव पंडित जी भिक्षा यात्रण करने जाते, जो मिलता पहले अतिथि छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को पवाते, फिर खुद पाते। एक दिन एक घटना घटी,
क्या? भिक्षा यातन करने के लिए ब्राह्मण देवता गए, भिक्षा कम मिली, अतिथि को खिला दिया, पत्नी को खिला दिया, खुद भूखे सो गए। छत्रपति वीर महाराज से छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। राम 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 राम, कितने दयालु हैं ये ब्राह्मण देवता, कितने सौम्य हैं। आंखों में आंसू आए, दया के कारण कुछ नहीं देखा, एक पत्र बनाया, मुगल सूबेदार को लिख दिया कि हम अमुक ब्राह्मण के यहाँ पर छिपे हुए हैं, अगर हमें पकड़ना है तो 2000 असरफियां ब्राह्मण को दे दो और हम स्वतः ही पकड़ जाएंगे। सूबेदार, जो मुगल का सूबेदार था, उसे पता था कि छत्रपति वीर शिवाजी महाराज झूठ नहीं बोलते। उसने 2000 असरफियां भेज दी ब्राह्मण देवता श्री पंडित श्री विनायक देव जी के घर पर। वीर छत्रपति शिवाजी महाराज स्वयं जाकर के बन गए, और जब बन गए और ये बात श्री ताना जी को पता लगी, और ब्राह्मण देवता ने पूरी घटना बताई, और जब ब्राह्मण को पता लगा कि हमारे घर पर जो अतिथि थे वो कोई साधारण नहीं, भगवती भवानी के साधक और हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति महाराज शिवाजी थे, तो ब्राह्मण देवता रोने लगे कि बताओ, हमारी गरीबी को दूर करने के लिए स्वयं शत्रुओं के चंगल में फंस गए, धन्य है इनकी दया का भाव। और अपने इष्ट और भगवती से प्रार्थना की, हे माँ, इनको कभी कोई खरोंच ना आवे, हम अपनी पूरी साधना और तपस्या इनको दान करते हैं, प्रदान करते हैं। भगवती प्रसन्न हो गई और शत्रुओं के चंगल से छूट करके उनका वध करके छत्रपति शिवाजी महाराज वापस आ गए। मेरे पागलो, दया में इतनी ताकत है, प्रेम में इतनी ताकत है, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही इकसार है, भाव से जो मुझको भजे स्वभाव से बेड़ा पार है, भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव पूरत तेरी ही करती मुझे लाचार है, बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर प्रभु का होता अवतार है। भगवान भाव के भूखे हैं, और इसी दया के कारण हमारे हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति महाराज शिवाजी ने सनातन का ऐसा झंडा गाड़ा, आज प्रत्येक भारतवासी इनका नाम लेकर के गौरवान्वित महसूस होता है। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय मराठा, जय महाराष्ट्र। ऐसे दया के भाव से हम आप भी प्रभु को पा सकते हैं।